करेंगे अगली चर्चित खबर की। नेमावर हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पीड़ित आदिवासी परिवार की बेटी भारती न्याय यात्रा लेकर भोपाल पहुंच गई है। 1 जनवरी को नेमावर से शुरू हुई इस यात्रा का समापन भोपाल में हुआ। कांग्रेस विधायक रवि जोशी के निवास पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके बाद ये यात्रा राजभवन की तरफ बढ़ी तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रास्ता रोका। हालांकि बाद में एक प्रतिनिधि मंडल को राजभवन ले जाने की अनुमति दी गई, लेकिन कोरोना के चलते राजभवन में राज्यपाल से मिलने का समय नहीं मिला, जिसको लेकर परिजन और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विरोध जताया और आरोप लगाया कि सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा जरूर की है, लेकिन आज तक जांच शुरू नहीं हुई। आपको बता दें कि नेमावर में 17 मई 2021 को एक ही परिवार के 5 सदस्यों को मौत के घाट उतारकर 10 फीट गहरे गड्ढे में गड़ा दिया गया था, जिसके बाद से लगातार इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बात यह अविश्वास की स्थिति बन गई है ना। राज्य सरकार ने बयान दिया कि नहीं दिया कि हमने सीबीआई का ऑर्डर कर दिया, कहा कि नहीं कहा। पूर्व में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी पुलिस सक्षम है, इसलिए हम सीबीआई का ऑर्डर नहीं कर रहे। अब उन्होंने ऑर्डर कर दिए तो उन्होंने खुद ने स्वीकार कर लिया कि पुलिस यहाँ की अक्षम है। जब अक्षम है तो सीबीआई का आपने ऑर्डर कर दिए तो नोटिफिकेशन कर दीजिए, तो इनको विश्वास हो जाएगा। अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो इनको विश्वास कैसे होगा। कांग्रेस नेताओं के राज्यपाल से न मिल पाने के लेकर अब सियासत गर्मा रही है। दरअसल नेमावर हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा सहित कई पदाधिकारी राज्यपाल से मुलाकात के लिए पहुंच गए, लेकिन राजभवन में कोरोना के चलते राज्यपाल से मुलाकात का समय नहीं दिया गया। इससे बौखलाए कांग्रेस नेताओं की अनाप शनाप बयानबाजी सामने आई है। यहाँ तक कि भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपत्तिजनक नारे भी लगा दिए। कांग्रेस के इस रवैये से बीजेपी का पारा 7वें आसमान पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इस पूरे मामले में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। ये गर्व था कि एक आदिवासी व्यक्ति को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। हमें ये क्या पता था कि कोरोना से डरने वाला राज्यपाल जो अपने वर्ग को न्याय नहीं दिला सकता, ऐसी जिंदगी से तो मौत भली।